गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा। एक बार मैसेज कर दीजिए प्लीज। अरमान गुड इवनिंग डियर, घनश्याम गुड इवनिंग, प्रदीप कुमार नमस्ते भाई, मानु नमस्ते भाई, नमस्ते। एक बार थोड़ा सा ऑडियो और वीडियो के बारे में बताइए, उसके बाद फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे मेरा डियर, आपका इंग्लिश वाला लेक्चर जो होता है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, आई थिंक 1 आवर का हो जाता है। तो इस लेक्चर को कोशिश करेंगे 30-35 मिनट्स, मैक्सिमम 45 मिनट्स तक कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये अपना करंट अफेयर्स का टॉपिक कह सकते हैं आप, या आपका जीके का कह सकते हैं, या आप स्पोर्ट्स रिलेटेड कह सकते हैं, ठीक है ना बच्चे? तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे टॉपिक को, थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे। ज्यादा बहुत ज्यादा स्लाइड्स भी नहीं बनाई है मैंने, जो भी टू द पॉइंट बातें होंगी केवल वही की जाएंगी आप लोगों से। जो विनर्स होंगे, जो रनर अप होंगे, जितने भी आपके टेनिस रिलेटेड, जैसे कि आपको पता चल गया होगा टेनिस ग्रैंड स्लैम के बारे में आज बात करने वाले हैं। मेनली जैसे कोई भी स्पोर्ट्स होता है, आई थिंक 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं मेरे बच्चे। शेयर कर लीजिए बच्चे, मतलब अपना ग्रुप में शेयर कर लीजिए, और कोई ग्रुप रह गया तो। एक्चुअली मैंने अभी लिंक बनाया था और अभी शेयर किया आप लोगों के साथ, तो मैं ज्यादा जगह शेयर नहीं कर पाया हूँ। स्मित भी आ गया भाई, उसको भी बोल दिया मैंने लिंक शेयर करने के लिए। ठीक बच्चों, अपना शेयर कर लीजिए जितने भी ग्रुप में आप शेयर कर सकें, मैक्सिमम से मैक्सिमम में। माय डियर, अब ये ऐसा टॉपिक हो गया है, ठीक है, जो आपको हर जगह हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको केवल सीपैट के अंदर हेल्प करेगा, या डिप्लोमा या बीटेक के अंदर हेल्प करेगा। एक्चुअली आपका लाइफ टाइम सपोर्ट करेगा आपको, जब तक आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे या आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ना बच्चे, तो ये आपको सपोर्ट करेगा हर जगह, ठीक है। तो इस चैनल के थ्रू मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको चीजें प्रोवाइड की जा सके। और अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहा तो बाकी जो और भी कोई अगर सब्जेक्ट आप ऐड करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, लेकिन वो चीजें डिपेंड करेंगी आपके इंटरेस्ट के ऊपर, कितने बच्चे उसको ज्वाइन करते हैं। तो मैक्सिमम जो मेरा मेन टारगेट अभी इस टाइम पे है, इंग्लिश का है, क्योंकि बच्चे उसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। मैम भी थोड़ा सा कह रही थी कि अगर आप लोगों में से थोड़ी सी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है तो और भी अच्छा होगा, ठीक है ना बच्चों? तो थोड़ा स्ट्रेंथ पे ध्यान दीजिए। नाइन टू हुए हैं, 9:05 पे हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर देंगे मेरे बच्चे, ठीक है ना? तो जल्दी से जल्दी जुड़े। अगर कोई ड्रॉबैक लग रहा है आपको, कोई कमी लग रही है ना बच्चों, उस चीज को शेयर करो। मैं हर बार आपको इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बोलें, चैट करें, बातें करें, ताकि हम उस कमी को पहचान सके जो हमारे अंदर है। आई थिंक हमारे पढ़ाने के तरीके में है या कंटेंट वाइज होती है, जो भी कमी आपको होती है ना मेरे बच्चों, वो बताया करो। वो बताओगे तो ही कुछ ना कुछ हम भी फायदा कर पाएंगे, आपको फायदा कुछ आ पाएंगे। और इन दी एंड यार, लालची हर कोई होता है, सेल्फिश हर कोई होता है, तो हम इस वे में थोड़े से सेल्फिश हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि हम आपके थ्रू अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो ये सिर्फ आपके लिए चैनल नहीं है, ये चैनल हमारे लिए भी है। आज हमारे कुछ डीपीएमटी फाइनल ईयर के स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो उसके वहां पे भी मैं ये डिस्कशन कर रहा था। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपके लिए ही ये चैनल चला रहे हैं, ये हमारे लिए भी चैनल है। सीधी सी बात है, अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो एक तरह की हमारी प्रैक्टिस हो रही है। इससे पहले 2020 से पहले मैंने इस तरह पब्लिकली अपने आप को कभी फेस नहीं किया था, नीताशा गुड इवनिंग डियर। लेकिन जैसे ही 2020 के अंदर आपका लॉकडाउन लगा, आई थिंक मार्च के महीने में लगा था, उसके बाद फिर रिक्वायरमेंट हुई और हमने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हेजिटेशन हुई, डर भी लग रहा था यार, गलतियां हो जाती हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, फिर उसको दुनिया देखेगी, थोड़ा डर लग रहा था यार। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता कि गलतियां होती है तो इंसान से ही होती है यार, जो कोशिश करेगा उससे गलती भी होगी, ठीक है। तो गलतियों को हाइड करना तो एक तरह का उस गलती को बढ़ावा देना होगा। तो अगर गलती होगी तो मेरा बच्चा मुझे बता देगा किसी भी पॉइंट पे। अगर हमसे मिस्टेक भी होते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमको बताते हो तो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ बुराई होती है, वो इंप्रूवमेंट के लिए ही आप बताएंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स हमारे पास जुड़ चुके हैं, अब ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। नीताशा, अंकित जांगड़ा, गुड इवनिंग डियर, चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं माय डियर, ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं। जैसा कि आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है, हमारा आज का हमारा टॉपिक है टेनिस ग्रैंड स्लैम 2020। 2020 के अंदर जितने भी टेनिस ग्रैंड स्लैम हुए थे उनके विनर्स, कितना प्राइस था,
कब हुए थे वो सभी जानकारियां आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हर एक स्पोर्ट्स के अंदर, अगर मैं बात करूं क्रिकेट की, अगर मैं बात करूं फुटबॉल की, तो हर एक के अंदर जैसे वर्ल्ड कप होता है ना माय डियर, वर्ल्ड कप होता है और उसमें वर्ल्ड विजेता बनता है, विश्व विजेता बनता है, ऐसे ही टेनिस के अंदर ग्रैंड स्लैम होते हैं। क्या होते हैं? ग्रैंड स्लैम होते हैं। वर्ल्ड कप कितने साल में होता है? क्रिकेट के अंदर अगर मैं बात करूं तो 4 साल के अंदर होता है, वर्ल्ड कप 4 साल के अंदर होता है। तो जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो एवरी ईयर होते हैं, एवरी ईयर होते हैं, और मेनली हमारे कितने ग्रैंड स्लैम है? वो 4 ग्रैंड स्लैम है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। ठीक है बच्चे, तो 4 ग्रैंड स्लैम है हमारे, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। आई थिंक नाम सबने सुन रखे होंगे इनके, इतने अच्छे नाम है, इतने फेमस नाम है। जो भी स्पोर्ट्स से ताल्लुकात रखता है या स्पोर्ट्स के बारे में जानता है कुछ भी, ठीक है, आई थिंक जो आपकी एज है वो स्पोर्ट्स खेलने में रुचि होगी ही होगी सभी की। शायद हमारे टाइम में आगे हम केवल पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं, लेकिन आपकी जो एज होती है आई थिंक सभी सभी बच्चे फोकस करते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, और करना भी चाहिए ना। स्पोर्ट्स अगर होगा तो आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी माय डियर। तो अगर आप लोग स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं तो मैं ये कहूंगा आप लोगों से, स्पोर्ट्स पे फोकस कीजिए, केवल जनरल नॉलेज के लिए, जी के लिए नहीं, अपनी हेल्थ के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर बेटा, पहला क्वेश्चन तो वैसे यहीं पे बना दिया आपका, ठीक है, जो जैसे क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड कप होता है, यहाँ पे क्या होता है? ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं। 2020 की हम बात कर रहे हैं, कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? मिली 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? जगबीर पॉइंट भाई, फोन बाद में अटेंड करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है बेटा, टेनिस ग्रैंड स्लैम सीक्वेंस, इसका मतलब क्या है? सब कुछ फिक्स है, पहले ही पहले नंबर पे कौन होगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, उसके बाद कौन होगा? फ्रेंच ओपन होगा, फिर क्या होगा? विंबलडन ओपन होगा, फिर यूएस ओपन होगा। तो आपसे सीक्वेंस पूछी जा सकती है, इन चारों नामों को सफल करके देंगे वो आपको, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप कोई भी क्वेश्चन आपका होगा उसके अंदर सफल करके देंगे। बेटा ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है या नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? जगबीर जी अगर आप लाइव हैं तो माय डियर फोन मैं बाद में ही अटेंड करूंगा, पहले मैं लेक्चर को ही कंप्लीट करूंगा, हो सकता है वो भी आप अभी जुड़े हुए हो हमारे साथ, तो माय डियर सॉरी फॉर दैट, लेकिन पहले हम अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम आपको डील करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टेनिस ग्रैंड स्लैम सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में ये ग्रैंड स्लैम होते हैं? फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएस। ठीक है, सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन किस टाइम पे होता है? किस टाइम पे होता है बेटा? मैक्सिमम टाइम, देखो ये जो टाइमिंग लिखी हुई है ना वो पास्ट के डाटा के अकॉर्डिंग लिखी हुई है, मतलब इस टाइम पे ये होता है, जनवरी के लास्ट में क्या होता है? अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट होता है, 20 या 25 जनवरी के आसपास ये क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट होता है। कहां पे होता है? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है। कहां पे? नाम से ही पता चल रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां पे हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। किस जगह पे? मेलबर्न में होता है माय डियर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। कब स्टार्ट होता है? जनवरी के लास्ट में स्टार्ट होता है। फ्रेंच ओपन कब होता है? मई में शुरू होता है बेटा, मई में शुरू होता है, ठीक है, ध्यान रखना। कहां पे होता है? पेरिस फ्रांस में होता है, ठीक है, फ्रेंच ओपन लिखा हुआ है वहां से, फ्रांस के अंदर, ठीक है बच्चे, किस जगह पे? पेरिस फ्रांस के अंदर होता है क्या? फ्रेंच ओपन। थर्ड कौन सा आता है अपना? विंबलडन ओपन होता है, विंबलडन ओपन, ये जून के लास्ट में स्टार्ट होता है मेरे डियर, ध्यान रखना, जून के लास्ट में स्टार्ट होता है और जुलाई तक चलता है। कहां पे होता है? लंदन में होता है। किस जगह होता है? लंदन में होता है। यूएस ओपन कहां होता है, किस टाइम पे होता है? अगस्त में होता है। कब होता है? अगस्त के लास्ट में स्टार्ट होता है, ठीक है, कहां पे होता है? न्यूयॉर्क में होता है, ठीक है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क के अंदर होता है माय डियर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक एक की ग्रैंड स्लैम की, ठीक है, अब इन ग्रैंड स्लैम के अंदर क्या क्या होता है भाई? यूएस ओपन अगस्त में होता है, कहां पे होता है? न्यूयॉर्क में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि 4 ग्रैंड स्लैम है, अब इनके अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? अगर मैं कहूं क्रिकेट के अंदर क्या होता है भाई? टेस्ट क्रिकेट होता है, वनडे क्रिकेट होता है, T20 होता है, ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे सिंगल्स होता है, डबल्स होता है, सिंगल मैन होता है, डबल्स मैन होता है, फिर आपका वोमेन सिंगल होता है, वोमेन डबल होता है, और एक मिक्स होता है, ठीक है, जहां पे एक बॉय होता है, एक गर्ल होता है, मतलब वो अलग अलग कंट्रीज के हो सकते हैं, इस तरह मिक्स होता है, ठीक है। तो कितने तरह के इवेंट होते हैं यहाँ पे? 5 तरह के इवेंट होते हैं, सिंगल सिंगल दो जेंट्स के, सिंगल सिंगल डबल्स
मेंस के, सिंगल डबल्स फीमेल्स के और एक मिक्स का होता है। ठीक है बच्चे, ये पांच हमारे होते हैं। स्टार्ट हम किससे कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन से, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन ही आता है। 2020 की स्पेशली मैं इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कब से स्टार्ट हुआ था? 20 जनवरी 2020 से स्टार्ट हुआ था और 2 फरवरी 2020 तक चला था। कब से स्टार्ट हुआ था? 20 जनवरी 2020 से स्टार्ट हुआ था और 2 फरवरी 2020 तक चला था। कौन सा एडिशन था ये? कौन से नंबर का खेल था? ठीक है, खेलते कौन सा एडिशन आ चुका है? 108 108वां एडिशन था ये। ठीक है, हर एक लाइन अपने अपने इंडिविजुअल क्वेश्चन दे रही है आपको बेचा। ठीक है, ध्यान रखना, हर एक इंडिविजुअल लाइन आपको एक सिंगल क्वेश्चन दे रही है ऑब्जेक्टिव टाइप का। प्राइज मनी कितनी थी यहाँ पे? प्राइज मनी कितनी थी? 71 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या मिल रहा था? 71 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर प्राइज मनी थी। ठीक है, सरफेस कैसी होती है बेटा? अब सरफेस कैसी है देखो, आपको कई बात है, कुछ बच्चों को तो ये भी कंफ्यूजन होता है यार, टेनिस में और बैडमिंटन में क्या डिफरेंस होता है? आप इसे है किसी को पता भाई? एक बार अगर पता है तो मुझे बताइए, टेनिस में और बैडमिंटन में क्या डिफरेंस होता है? जल्दी से बताओ यार, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग डियर, जल्दी से मुझे डिफरेंस बताइए, टेनिस में और बैडमिंटन में क्या डिफरेंस होता है अगर आप लोगों को पता है तो? सर, टेनिस खेल किस ईयर से स्टार्ट हुआ था? यार किस ईयर से स्टार्ट हुआ था वो थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा यार घनश्याम, उस चीज को थोड़ा सर्च करके बताएंगे भाई, किस ईयर से स्टार्ट किया था। मैंने केवल इस पास जो स्टडी करके आया हूँ माय डियर, वो केवल 2020 के जो स्पोर्ट्स हुए थे उसके विनर्स के अकॉर्डिंग मैंने डाटा तैयार किया है। ठीक है, किस ईयर में हुआ था वो सर्च करके आपको बता देंगे, कोई इशू नहीं है। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है माय डियर जिसको मैं ऑनलाइन साथ साथ आपको रिजोल्व नहीं कर पाता हूँ, तो वो चीज आपको बता दी जाएगी। हाँ, नोट डाउन कर लेता हूँ इस चीज को, आप लोगों को इसका आंसर जरूर दिया जाएगा। आप मुझे जल्दी से बताइए, टेनिस और ग्रैंड स्लैम में डिफरेंस, टेनिस में और बैडमिंटन में डिफरेंस क्या होता है? जल्दी बताओ। देखो माय डियर, ये जो स्पोर्ट्स है माय डियर, या इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना यार, अनलिमिटेड बन जाते हैं, तो हर किसी चीज पे कमांड पाना थोड़ा सा इम्पोसिबल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ठीक है, बिल्कुल जायज है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक क्वेश्चन का आंसर जानना या एक कंप्लीट स्टडी कर लेना वो थोड़ा सा इम्पोसिबल होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है आपका क्वेश्चन बिल्कुल, कब स्टार्ट हुए थे? ठीक है, लेकिन आज की जो स्पेशल मैंने वीडियो है, जो प्रिपरेशन की है, हम भी प्रिपेयर करके आते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज हमें पता होती है, एडवांस में हमें कुछ भी नहीं पता होता माय डियर। हम भी आप तरह की आपकी तरह एक सिंपल इंसान है, हम क्या करते हैं, आपके लिए कोई डाटा प्रिपेयर करते हैं, उसको आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस चीज को कंपाइल कर ले, और कुछ चीजें हमसे इंपॉर्टेंट रह जाती है, तो अगर वो आप लोगों के क्वेश्चन के थ्रू हमें पता चल जाता है तो हम उसके थ्रू फिर स्टडी करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके नीचे कमेंट बॉक्स में 102% देख पाएंगे। जल्दी बताओ जल्दी थी, किसी का आंसर नहीं आ रहा यार, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा माय डियर। टेनिस के अंदर जो कोस्को की बॉल होती है ना, टेनिस बॉल होती है, ठीक है, वो ग्रीन कलर की होती है। अगर आपने क्रिकेट खेला हो तो उससे, हम टेनिस बॉल से भी क्रिकेट खेलते हैं, तो जो टेनिस बॉल होती है उससे खेला जाता है, और जो बैडमिंटन होता है वो शटल से खेला जाता है जिसको हम चिड़िया बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच, मेजर डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। किस सर्फेस पे खेला जाता है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कि किस सर्फेस पे खेला जाता है, कैसी हार्ड सर्फेस बोलते हैं इसको, ग्रीन सेट भी बोला जाता है। ठीक है, ग्रीन सेट भी बोला जाता है। सरफेस कैसी होती है? हार्ड होती है। आगे जैसा कि मैंने बताया कि पांच अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं, तो पहला हमारा कौन सा है ऑस्ट्रेलियन ओपन में? मेंस सिंगल, जिसमें विनर कौन है? नोवाक जोकोविक, ये नाम सबको पता होगा, नोवाक जोकोविक। ठीक है, सर्बिया के हैं, या तो ये नाम ना यार, या तो विनर या रनर अप, इसमें नाम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, रोजर फेडरर और आपका ये जोकोविक। ठीक है, ये नाम दो तीन नाम होंगे, विलियम्स सिस्टर्स, ये ऐसे हैं कि जीतते ही रहते हैं, जीतते ही रहते हैं, कोई ना कोई ग्रैंड स्लैम जीत ही जाते हैं। रनर कौन है? डोमिनिक टीम कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ये क्या रहे थे आपके? रनर रहे थे माय डियर। ठीक है, आगे चलते हैं, ये नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। अब इन नामों के साथ कोई भी ट्रिक नहीं मिलेगी आपको, सिंपली ये याद रखना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन कब हुआ था। ठीक है, सिंगल्स में कौन विजेता था, रनर अप कौन था, डबल्स में कौन था, रनर कौन था और विनर कौन था, ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। अब इसके अंदर मेनली आपको नाम मिलेंगे बेटा, नेम्स मिलेंगे यहाँ पे, जिनको आपको कैंप करना है, याद करना है। नेक्स्ट क्या है ऑस्ट्रेलियन ओपन में? वुमेन सिंगल्स की बात करें तो विनर कौन थी? सोफिया कैनिन थी। कौन? कहाँ की? यूनाइटेड स्टेट्स की। कहाँ की थी? यूनाइटेड स्टेट्स की थी। रनर कौन था? जी
मुगुरुजा, मुगुरुजा। देखो मैंने साथ में ना हिंदी में लिखने की कोशिश की है बेटा, कि बहुत ज्यादा जो फॉरनर नेम है तो वो हर किसी को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने हिंदी में भी उसको मेंशन कर रखा है मुगुरुजा। ठीक है, स्पेन की थी ये, तो ये क्या थी रनअप की, विनर कौन थी, सोफिया कैनिन थी। सोफिया कैनिन क्या थी, विजेता थी, किस कंट्री की थी, यूनाइटेड स्टेट की थी। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल्स की। अब हम बात करते हैं, पहले तो सिंगल्स की बात की है, अब डबल्स की बात करते हैं। विनर कौन था, राजीव राम। राजीव राम नाम से क्या पता चल रहा है, जैसे इंडियन सा नाम है ना, तो भाई ये इंडियन नहीं है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, इनकी पुश्तें थी ना जो, वो इंडिया से गई थी, लेकिन ये खेलते किसके लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट के लिए खेलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसका, राजीव राम कभी नाम देख के तुम इंडिया पे टिक्का मार के आ जाओ तो भैया इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है प्रेजेंटली इंडिया के साथ। अब किससे खेलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ खेलते हैं। और राजीव राम के साथ कौन थे, मतलब दूसरे मैच डबल में, भाई डबल्स की बात है ना, एक टाइम में कितने प्लेयर होंगे, दो होंगे। ठीक है, वो कहां के थे, यूनाइटेड किंगडम के थे, नाम क्या था, जो सैलिसबरी। सैलिसबरी देखो मैंने हिंदी में नाम लिखने की कोशिश की बेटा, जो भी डिफिकल्ट से नाम है थोड़े से, उनको मैंने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में रिप्रेजेंट किया है, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी रह सके। राजीव राम कहां के थे, यूनाइटेड स्टेट्स के थे, और जो सैलिसबरी वो किसके थे, यूनाइटेड किंगडम के थे। ठीक है, ध्यान रखना नाम इनका। आगे हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड ऑस्ट्रेलियन ओपन के वोमेन्स डबल्स। वोमेन्स डबल मतलब दो फीमेल खेलेंगी, दो फीमेल्स के अगेंस्ट। ठीक है भाई, तो कौन थे इसके विनर, विनर कौन, भी यहाँ पे रनर नहीं लिखे हमने, क्योंकि दो दो नाम, चार नाम याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो विनर्स के अंदर भी दो नाम है तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है यार, रनर पे नहीं आते, रनर पे सिंगल सिंगल पे बात कहीं बार पूछ ली जाती है। तो कौन कौन थे, बाबोस और मलादेनोविक। ठीक है यार, इतने डिफिकल्ट नाम होते हैं, हिंदी में पढ़ने में दिक्कत आ जाती है, इंग्लिश में तो कहां से पढ़े जाएंगे। तो इंग्लिश में अगर कहीं पे कोई डिफिकल्टी आ रही है, प्रोनंसिएशन में कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो आप अपने इंग्लिश वाले टीचर से उस चीज के बारे में पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, ये कहां की थी, फ्रांस की थी। तो जोड़ी किस कहां की थी, बाबोस कहां की थी, ये हंगरी की थी, और फ्रांस की कौन थी, मलादेनोविक। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना वुमेन्स डबल्स की अति विनर्स थी, कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं मिक्स डबल्स, जहां पे एक मेल होगा और एक फीमेल होगी। ठीक है बच्चे, तो विनर कौन कौन थे इसके, आपके विनर थे बारबोरा क्रेजचिकोवा, बारबोरा क्रेजचिकोवा और निकोला मैक्टिक। ठीक है, नाम बड़े ध्यान से याद करना है, हिंदी और इंग्लिश में आपके सामने दोनों लिखे हुए हैं, कॉपी जब बनाइएगा तो हिंदी में भी लिख लीजिएगा और इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, विनर कहाँ के थे, कौन सी कंट्रीज के थे, चेकिया और क्रोशिया के ये कंट्रीज के रहने वाले थे। मिक्स डबल के अंदर अलग अलग कंट्रीज के खेल लेते हैं, कोई इशू नहीं होता इस चीज के अंदर। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, उसके बाद कौन सा ओपन आता है, फ्रेंच ओपन आता है। कौन सा आता है, फ्रेंच ओपन आता है। डेट कब हुआ था, 27 सितंबर से 11 अक्टूबर तक हुआ था, 27 सितंबर से 11 अक्टूबर तक हुआ था। अब आप लोग ये कहेंगे, सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने ये बताया था कि ये इस टाइम पे होता है, भाई इस टाइम पे क्या काल आया था, कोरोना काल आया था, तो टाइम इसका चेंज कर दिया गया था। ये स्पेशल केस है एक आपका, कि जहां पे टाइम शिफ्ट हो गया था, चेंज हो गया था, ऑफिशियल टाइम तो होता है इनका ऑर्गेनाइज करने का, उस टाइम पे ये इवेंट नहीं हुआ था, उसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया था। कब इवेंट हेल्ड हुआ, 27 सितंबर 11 से लेके 11 अक्टूबर तक ये इवेंट हुआ था। एडिशन कौन सा था, 124वां एडिशन था, कौन सा, 124th एडिशन था। प्राइज मनी कितनी जीतने मिलेगी, 38 मिलियन यूरो, कितना, 38 मिलियन यूरो। ठीक है बच्चे, और सरफेस कैसी है, क्ले मिट्टी। ठीक है, क्ले वाली सरफेस है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे भी वही इवेंट होंगे, वही पांच जो हमने पहले बात की, मेन सिंगल, मेन्स डबल, वोमेन सिंगल, वोमेन्स डबल और मिक्स। ठीक है, तो मेन सिंगल कौन जीता था, विनर कौन था, राफेल नडाल। ये भी नाम आपने बार बार सुना होगा यार, किसके हैं, स्पेन कंट्री के हैं। रनर अप कौन हुए, अब जो वहां जिन विनर थे ना ऑस्ट्रेलियन ओपन के, यहाँ पे उसके रनर अप बन गए हैं, जो को भी क्या बन गए हैं, उसके रनर अप बन गए हैं। कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही सिंगल में दूसरा नाम देखोगे, सोफिया कैनिन वहां क्या थी, विनर थी, अब यहाँ पे क्या बन गई है, रनर अप बन गई है। वही ना भाई, सोफिया कैनिन चेक कर ले, सोफिया कैनिन आपकी क्या थी, विनर थी सिंगल्स की, लेकिन यहाँ पे आके क्या बन गई है, रनर अप बन गई है, ध्यान रखना भाई। जो विनर थे वो यहाँ पे आके क्या बन गए हैं, रनर अप बन गए हैं दोनों केसेस के अंदर। ठीक है बच्चे, विनर कौन है भाई, इगा स्वियातेक, स्वियातेक। ठीक है, इगा स्वियातेक कहाँ की थी, पोलैंड की, कहाँ की थी, पोलैंड के। और दूसरा सोफिया कैनिन कहाँ की थी, यूनाइटेड स्टेट की। ध्यान रखना भाई, नाम बड़े ध्यान से पढ़ना यार, स्पेलिंग सा स्पेशली ध्यान रखना,
ठीक है, इसलिए हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो सके, थोड़ी सेंस आपको हो सके। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज, फनी लैंग्वेज क्यों है यही नहीं पता चलता यार, कौन सा वर्ड साइलेंट है कौन सा साइलेंट नहीं है, तो कई चीजें साइलेंट हो जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता यार, हम साइलेंट उसको करते ही नहीं। जैसे ये लिखा होता, अब ये बताता हूं तुम्हें एग्जाम्पल, टीम, ये अब टी एच आई ई एम, इसको क्या बोलोगे, थीम मत बोल देना इसको, एच साइलेंट है, टीम बोला जाएगा इसको, ध्यान रखना भाई, डोमिनिक टीम, टी आई ई एम मतलब एच साइलेंट है यहाँ पे, ध्यान रखना भाई। तो इसलिए कहते हैं इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज, पता नहीं क्या बकवास करते हैं यार, कुछ लिखते हैं कुछ कहते हैं यार, कैसे साइलेंट हो जाता है हमें नहीं पता वो आपके इंग्लिश वाले टीचर देखेंगे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंच ओपन में, मेंस डबल्स की बात करते हैं, सिंगल्स की बात होगी ना भाई दोनों की, मेंस की भी और वुमेन्स की भी, अब बात कर लेते हैं हम मेंस डबल्स की, विनर्स कौन थे, केविन क्राविट्ज, क्राविट्ज ठीक है, कहां के थे, जर्मनी के थे, दोनों जर्मनी के हैं भाई, और एंड्रेज माइज, एंड्रेज माइज ये दोनों किसके हैं, जर्मनी के हैं। फ्रेंच ओपन में मेंस डबल दोनों जर्मनी के आदमियों ने जीता है भाई, एक भी कंट्री के फोर्स खेल सकते हैं, दोनों के अलग अलग भी खेल सकते हैं, कोई इशू नहीं होता इस चीज के अंदर। ठीक है, ये दोनों किसके हैं, जर्मनी के हैं, ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं वोमेन्स डबल, वोमेन्स डबल कहां कहां की, एक हंगरी की और एक फ्रांस की, कौन, बाबोस और म्लादेनोविक, म्लादेनोविक बेटा जी ध्यान करा, नाम आपने क्या हुआ, रिपीट हुए हैं, मतलब दोनों सी वुमेन्स डबल्स वहां पे थी, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीती थी, वही फ्रेंच ओपन में भी जीती हैं भैया जी, एक आंसर आपको सेम मिल गया, मतलब जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन जीती थी वही फ्रेंच ओपन में, क्रॉस चेक कर लेते हैं, मिक्स वुमेन, ठीक है ना, ये देखो टी बाबोस और क्रिस्टिनिया म्लादेनोविक, ठीक है, कहां की है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की भी विजेता यही है और आपकी फ्रेंच ओपन की विजेता भी यही है, ध्यान रखना बेटा, दोनों में सेम कॉमन नेम आ रहा है आपका, ध्यान रखना। अब फ्रेंच ओपन में मिक्स डबल हुआ ही नहीं, ध्यान रखना, मिक्स डबल 2020 के अंदर हुआ ही नहीं, फ्रेंच ओपन के अंदर, ठीक है बेटा। इसके बाद कौन सा आता था, विंबलडन, जय श्री राम, विंबलडन तो भाई कैंसिल हो गया था 2020 के अंदर आपका, ड्यू टू COVID-19 विंबलडन ओपन हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता था बेटा, जो कन्वेंशनल जैसे ग्राउंड होता है ना, घास वाला ग्राउंड होता था, ठीक है, जो कन्वेंशनल मिट्टी वाला जो ग्राउंड होता था, विंबलडन ओपन उस पे होता है, अदरवाइज हर कोई ना थोड़ी सी हार्ड मिट्टी पे खेला जाता है, तो बाकी ओपन है ना आपके, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है, ठीक है, जो भी है आपके, वो थोड़ी सी हार्ड सर्फेस के ऊपर खेला जाता है, लेकिन जो विंबलडन ओपन है वो अभी भी कन्वेंशनल ग्राउंड के ऊपर ही खेला जाता है, ये डिफरेंस है और सभी में और विंबलडन ओपन के अंदर, ध्यान रखना मेरे बच्चों। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यूएस ओपन की, यूएस ओपन की डेट क्या है, कब से कब तक हुआ, 31 अगस्त से 31 सितंबर तक हुआ, कब से कब तक हुआ, 31 अगस्त से 31 सितंबर 2020 को हुआ तक था यूएस ओपन। एडिशन कौन सा है, 140th, कौन सा, 140वां, ठीक है। प्राइज मनी कितनी थी, 53.4 मिलियन US डॉलर, कितनी थी, 53.4 मिलियन US डॉलर, ये प्राइज मनी थी। सरफेस कैसी होती है, हार्ड होती है, कैसी सरफेस होती है, हार्ड होती है, उसके ऊपर खेला जाता है, ठीक है भाई। यूएस ओपन के अंदर फिर वही पांचों चीज मिलेंगे भाई, कौन सा, नंबर वन मेंस सिंगल, सबसे पहले मेंस सिंगल किसने जीता भाई, डोमिनिक टीम, टीम नहीं है, डोमिनिक टीम कहां के, ऑस्ट्रेलिया के थे, रनर कौन थे, अलेक्जेंडर जवेरेव, जवेरेव देखो जवेरेव हिंदी में भी लिख रखा है, ध्यान रखना, कहां के थे, जर्मनी के थे, कहां के थे, जर्मनी के थे, ठीक है बेटा। यूएस ओपन में मेन सिंगल का, एक पर्सन ऑस्ट्रेलिया से, एक अपना जर्मनी से, ठीक है। यूएस ओपन में वुमेन सिंगल, वुमेन सिंगल में कौन कौन से, नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका जापान की विनर थी, और रनर अप कौन थी, वी अजारेंका, अजारेंका के बुलारूस की थी, ठीक है भाई, बेलारूस में बोलता हूँ यार, बेलारूस, ठीक है, सारा इंग्लिश में नहीं पढ़ती, बेलारूस की थी भाई, सेंस के अकॉर्डिंग बोलते हैं, बेलारूस की थी, कौन, वी अजारेंका, ठीक है, हिंदी के अंदर नाम लिखा हुआ है, ये क्या थी, रनर अप थी यूएस ओपन वुमेन्स सिंगल की, ध्यान रखना भाई। आगे चलते हैं यूएस ओपन मेन्स डबल, यूएस ओपन मेन्स डबल विनर कौन थे, मेट पाविक, मेट पाविक, ये कौन थे, पाविच, देखो अब सेंस देखो, अगर मैं अगर उस चीज को हिंदी में ना लिखूं तो पी ए वी आई सी पाविक पढ़ रहा हूं भाई मैं तो, लेकिन नीचे हिंदी में लिखा हुआ जो मैंने वर्जन चेक किया था, पाविच, च, च की साउंड आ रही है बेटा, तो इसलिए मैंने हिंदी में लिख रखा है। तो कौन जीता था, सोरेस और पाविच की जोड़ी ने जीता था, क्या,
मेंस डबल जीता था। ब्रूनो सोरेस नीचे जो कहां के थे, ब्राजील के थे, और क्रोशिया के कौन थे, पाविच। ठीक भाई, ये जोड़ी ने क्या जीता था, यूएस ओपन का मेंस डबल जीता था। ठीक भाई, इसलिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों वर्जन लिख रखे हैं, क्योंकि प्रोनंसिएशन भाई इतनी अच्छी हमारी भी नहीं है। अपनी इंग्लिश वाली मैडम पे फोकस किया और उनसे पढ़ा करा रो भाई। इसलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश बड़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, लेकिन है फनी लैंग्वेज, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है भाई किसी भी चीज पे। अब कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए ना कि ये ऐसे क्यों होता है, भाई ये तो अपवाद होता है, मतलब इतने अपवाद इकट्ठे हो जाते, इतने रूल नहीं है यार। मैडम ने सुन लिया था, गुस्सा करेंगे भाई, बच्चों क्या कर रहे हो। यूएस ओपन वुमेन्स डबल्स पे चलते हैं, आगे चलते हैं, यूएस ओपन वुमेन्स डबल्स की बात करते हैं। कौन जीता था भाई, वेरा जो नॉर्वे रेवा, जो ना रेवा, ठीक है, लोरा सिजेमंड, ठीक है, ये आपके विनर्स थे, कहां के, जर्मनी और रशिया के। बड़े क्लासिक नाम, थोड़े आराम से निकले थे, अच्छे से निकले लिख लेते थे यार, हमें कम से कम अच्छे से याद तो हो जाते। ठीक है भाई, अच्छे से ध्यान करके लिखना यार, जब लिखोगे ना एक दो बार इनको तो अच्छे से याद हो पाएंगे, मेरा जो ना रेवा और लोरा सिजेमंड, ठीक है, ये नाम थे आपके किसके, वुमेन्स डबल के यूएस ओपन के विनर्स के, एक था आपका जर्मनी के और एक आपके रशिया के। ठीक है भाई, यूएस ओपन में भी मिक्स डबल नहीं हुआ, यूएस ओपन में अंदर मिक्स डबल नहीं हुआ, ध्यान रखना भाई। ठीक है, ना तो विंबलडन हुआ, ना यूएस ओपन का डबल्स हुआ, और किसका नहीं हुआ इससे पहले, और कौन सा पड़ा था भाई, फ्रेंच ओपन का डबल भी नहीं हुआ, फ्रेंच ओपन का मिक्स डबल नहीं, मिक्स नहीं हुआ भाई, और यहाँ पे भी तो मिक्स होगा, यहाँ पे भी मिक्स आपका नहीं हुआ। तो ये थे हमारे कौन से, चार के चार क्या थे हमारे, तो मिली हमारे टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो टेनिस ग्रैंड स्लैम हमारे कितने होते हैं भाई, चार होते हैं, ध्यान रखना कौन से होते हैं, चार होते हैं। अब आपको इनकी सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, कौन से मंथ में होते हैं वो भी पता होना चाहिए, उनके विनर्स कौन है वो भी पता होना चाहिए, रनर अप कौन है वो भी पता होना चाहिए, उन्होंने कितनी प्राइज मनी जीती वो भी पता होना चाहिए, किस डेट को स्टार्ट हुआ था, किस डेट को खत्म हुआ वो भी पता होना चाहिए, कोविड की वजह से कौन सा पोस्टपोन हुआ वो पता होना चाहिए, कोविड की वजह से कौन सा हुआ ही नहीं कैंसिल हो गया आपको वो पता होना चाहिए, हार्ड सर्फेस पे कौन सा होता है और आपका कन्वेंशनल सर्फेस पे कौन सा होता है वो आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस क्या होती है वो पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये कहानी है हमारी आज की टेनिस ग्रैंड स्लैम 2020 की। मैं आशा करता हूँ आई थिंक आप लोगों को सब कुछ पता चला होगा, कोई जानकारी कुछ तो नहीं मिली होगी ना माय डियर। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हर एक चीज आपको नहीं पता होगी, मे बी 20-30-50% आपको पता होगा, लेकिन 100% अगर नहीं पता था और उनमें से कुछ चीजें पता चल गई हैं तो मेरा लेक्चर में अपने आप उस लेक्चर को मैं सक्सेसफुल मानता हूँ, हाँ मेरे बच्चों को कुछ सीखने को मिला। ठीक है भाई, मेरा आइडिया हमेशा हर एक लेक्चर के अंदर ये नहीं होता कि मैं 100% नया दूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ 30-40% अगर नया बच्चों को मिल जाता है तो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट मेरा लेक्चर, मैं अपनी तरफ से मानता हूँ भाई। ठीक है, क्योंकि हर चीज मैं नहीं डाल सकता, हर जगह मैं नई चीज डालूंगा तो आप लोगों के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी, फिर वो थोड़ा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा चीजों में से। अब मुझे एक बार कमेंट करके बताइए किसी नाम में कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, या किसी के दिमाग में ये तो नहीं चला कि नहीं ये नाम नहीं है दूसरा नाम होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ डाउट तो नहीं है किसी के अंदर भाई, अगर है तो बताइए जल्दी से। नीताशा, सर मेरा एक में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा, ब्रेक हो रहा है यार। देखो देखो नीताशा, मेरे पार्ट में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो सकती भाई, और किसी के पास नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरी साइड से कोई नेटवर्क इशू आ रहा है, सभी एक बार कमेंट करो। घनश्याम, आलोक, मानु, अंकित, एक बार जल्दी बताइए बच्चे क्या नेटवर्क इशू है, प्रवीण राव, प्रदीप कुमार, बताइए भाई नेटवर्क इशू। भाई देखो मेरे पार्ट पे यार, मैंने ना एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर नेटवर्क लगवाया है जिसकी स्पीड है 100 Mbps, ठीक है, तो इसी केवल इन लाइव लेक्चर्स के लिए मैंने स्पेशली करवाया है, तो आई थिंक मेरे पार्ट पे नहीं होगी नीताशा, मे बी आपके पास आपके पार्ट पे थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, तो जब हमारा लेक्चर होने वाला होता है कम से कम एक ऐसा कोना पकड़ के बैठ जा रहा हो जहाँ पे आपके घर पे नेटवर्क बेस्ट आता हो, ठीक है, ताकि हमें पढ़ाने में मजा आए, आपको पढ़ने में मजा आए। अगर इस तरफ देखो की चीज आएंगी तो यार पहले ही नाम इतने डिफिकल्ट है, उसके बाद फिर वहाँ पे नेटवर्क में इशू आएगा तो यार दिमाग वैसे ही खराब हो जाएगा नीताशा, मैं भी समझता हूँ इस बात को। तो घनश्याम नहीं है, अंकित नहीं है, मानू नहीं है, अरमान नहीं है, घनश्याम नहीं, नताशा, सिर्फ आपके पास आपके पार्ट पे प्रॉब्लम है माय डियर, सॉरी, आपको ही थोड़ा प्रॉब्लम को रिजोल्व करना होगा, ठीक है, हमारे पार्ट पे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। घनश्याम, जो आपका क्वेश्चन है बेटा उसका आंसर जरूर किया जाएगा, अगर इस तरह का, देखो मैं ये नहीं कहता आप क्वेश्चन मत कीजिए माय डियर, कितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो ना उसको पुटअप किया करो, कोई भी इशू नहीं है। हाँ मैं ये नहीं कहता मैं हर एक क्वेश्चन का ऑन द स्पॉट आपको आंसर दे पाऊंगा, लेकिन आंसर जरूर मिलेगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ मेरे बच्चे,
है, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ आपको आंसर जरूर दिया जाएगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ ताकि मैं इसका टाइमली रिप्लाई आपको कर सकूँ। ठीक है बच्चे, जैसे ही लेक्चर खत्म होता है उसके बाद मैं सर्च करके जैसे जो भी बेस्ट आंसर होगा इसका, ठीक है, उसको मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सागर है यार, एक चीज है सागर है, मतलब इतने दिनों से चल रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगा था कि ये इस तरह का क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है, लेकिन पुटअप हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पुटअप हुआ तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ से सोच रहे हो कि ये भी चीज आ सकती है एग्जाम के अंदर। ठीक है बच्चे, तो अगर आ सकती है तो आपको जरूर उस चीज के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू यार, थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए। अच्छा जरूर यार, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो किसी का? जल्दी बेटा, जल्दी 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 जल्दी, कमेंट क्या आ रहा है बेटा? सर ये लोग इंस्टाग्राम के लवर हैं। कौन लोग भाई, मानो ये क्या कमेंट कर रखा है भाई, किसको कह रहे हो इंस्टाग्राम? मैं इंस्टाग्राम यार, मैंने अकाउंट तो मेरा अस्मित ने बना दिया है, लेकिन मैं एक्टिविटी आज तक कोई भी नहीं किया यार। तो अगली बार से ट्राई करेंगे यार, इंस्टाग्राम पे भी कोई लिंक वगैरह शेयर करके आ रहेंगे। अगर इंस्टाग्राम के लवर इनको बता रहे हो बेटा, इंस्टाग्राम के लवर हाँ जी। अरे यार कमेंट तो देख लो, कमेंट देख नहीं रहा हूँ, वैसे पूछ रहा हूँ तुमसे, जस्ट मिनट मारूँ, मैं दूसरी जगह चला गया था। हाँ जी, आई थिंक मैंने जैसे कहा आपको, मैं बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं रखने वाला हूँ, बहुत छोटा सा लेक्चर रखा करेंगे, ज्यादा ओवरडोज नहीं करेंगे। ठीक है ना बच्चे, तो थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए। आई थिंक कुछ ना कुछ नया कंटेंट आपको जरूर मिला होगा, उसको रिवाइज कीजिए। कुछ ना समझ में आए, कुछ और क्वेश्चन पुटअप हो रहा हो दिमाग में, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जल्दी से जल्दी लीव कीजिए, बाय बाय, गुड नाइट।